वेलकम बैक। देखिए, हम लोग सेट थ्री को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, और इससे जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सिंपल आपसे बन जाएगा। तो आप इसको बस एक बार देख लो, रिकॉल कर लो, चूँकि आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा, राइट। अगर दो सेट की हम लोग बात करें, सपोज करो हमारे पास में दो सेट ए और बी है, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो, तो जब ये खुलेगा तो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है और काफ़ी यूज़फुल भी है, राइट। अगर मैं बात करूँ फॉर सिंगल सेट, ये तो हम लोगों ने दो सेट के लिए देखा। अगर मैं सिंगल सेट ले लूँ, सिंगल सेट ए, ओके, एंड सपोज करता हूँ कि इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट वो क्या है, वो आपका यू है, ओके। तो इस केस में जो ए का कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या देखो कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए, ओके। तो ए कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब होता है। तो ऐसे केस में अगर मान लो ऐसा है कि यूनिवर्सल के पास में टोटल एम एलिमेंट है, ठीक है, और ए के पास में एन एलिमेंट है, तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए, और सिंपली ये आपको आ जाएगा एम माइनस एन। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, बहुत जल्दी आप इसको यूज़ करके और इस तरह के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो, राइट। अब देखो, इसका जो डी मॉर्गन्स लॉ है ना, इसका काफ़ी सारा यूज़ है सेट थ्योरी में, बूलियन अलजेब्रा में, लॉजिक्स में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी में काफ़ी सारा यूज़ होता है। तो प्रोबेबिलिटी वाला को भी मैं यहाँ पे आपको रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के केस में भी आप इसको यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस पी ई होता है, राइट। मतलब आप ई के कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो वो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है वो क्या है, वो वन है, तो वन में वन माइनस पी ई हो जाएगा। इसी तरह का फॉर्मूला है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ करके रखना है। कुछ और भी यहाँ पे रिजल्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको भी आप सबको आप याद रखो, चूँकि आपको एमसीक्यूज़ में डायरेक्ट रिजल्ट भी आता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट नंबर जो थ्री है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ में ही आता है। जैसे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसको अगर आप खोलेंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन आपका जो है वो चेंज कर जाएगा यूनियन में, और हो जाएगा ए माइनस सी, ओके। इसी तरीके से नंबर फोर भी आप याद रख सकते हो, a माइनस बी यूनियन c अगर है, तो इसको आप खोलोगे तो a माइनस बी हो जाएगा, यूनियन आपका चेंज कर जाएगा इंटरसेक्शन में, और हो जाएगा आपका a माइनस सी। इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। तो आपको इसको अच्छे से देख करके और रिकॉल कर लेना है, अभी हम लोग इसका क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में, तो काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी ईजी है, तो आपको अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है डी मॉर्गन्स का, तो जैसे हम लोगों ने दो सेट के लिए देखा, एक सेट के लिए देखा, तो इसको हम लोग जो है ए नंबर ऑफ लार्ज सेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म हो जाएगा। तो उसी तरह का है, बट यहाँ पे देखो ए आई लिया गया है, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, और ये आपका इंडेक्स सेट है। तो अगर ये कलेक्शन लेते हैं हम, बी एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सबसेट्स, मतलब बहुत सारा अगर हम सबसेट्स ले लेते हैं, ठीक है ना, तो अब इस केस में क्या होगा, अगर यूनिवर्सल सेट आपका यू है अगेन, तो क्या होगा, तो सारे ही सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अगेन उनके कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने का ये तरीका है, मतलब इसको अगर आप ऐसे लिखो डिटेल करके, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ए यूनियन ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री, राइट। इस तरीके से सपोज करो कि मान लो मेरे पास में एन है, ओके, और सबका यूनियन का आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना होगा, ए वन का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, फिर ए टू का कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, और बीच का जो यूनियन है उसको आप इंटरसेक्शन में बदलते जाइए, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो जैसे दो सेट के लिए था, वैसे ही ये एन सेट के लिए है, तो वैसे ही ये इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट के लिए भी होगा। तो यहाँ पे देखो, दैट इज लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ओके। इसी तरीके से आप इंटरसेक्शन का भी देख सकते हो कि इंटरसेक्शन अगर आप लेते हो, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सबसेट्स का, तो उसका पूरा का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, राइट।
तो देखो ये क्या है कि बीएससी में भी आप लोगों ने देखा था, इसका यूज़ भी बहुत अच्छा है और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, क्योंकि प्रूफ जब आप करते हो तो उसमें भी आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आइए देखते हैं क्विकली कि इसको बहुत जल्दी आप प्रूफ भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट अस प्रूफ फर्स्ट वन, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो जब भी इस तरह का सेट में प्रूफ करना होता है, तरीका क्या होता है, जैसे मान लो ना कि आपको कोई दो सेट दिया हुआ है, ए है और बी है, दोनों को दिखाना है क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो तरीका क्या होता है, आप दिखा दीजिए कि ए बी का सबसेट है, ठीक है, फिर आप दिखा दीजिए कि बी ए का सबसेट है। अगर ये दोनों बातें आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो आप पहले से भी करते आ रहे हो, तो यहाँ पर भी हम वही फंडा अपनाई करेंगे। तो देखो प्रूफ काफ़ी ईजिली आप कर पाओगे, कैसे करोगे, ठीक है। इधर से स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं एक्स बी एनी मेंबर ऑफ यूनियन ऑफ ए आई होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये पूरा है, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेटली आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई है, सबको लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं। तो देखो ये अगर हमारा यूनियन ऑफ ए आई के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स क्या करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए आई, ओके। और यहाँ पे आपको देखना है कहाँ से, ये कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन से आ गया, इसलिए कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली क्या है कि वो उनके यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कोई अगर सेट कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है कि उसका उस सेट में नहीं है, ठीक है। तो यह हो गया क्या आपका, ये हो गया बाई डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो ये आ गया, अब यहाँ से हम मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर x जो है पूरे इस यूनियन में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई, राइट, फॉर ऑल i बिलोंग्स टू कैपिटल i, करेक्ट। क्योंकि देखो पूरे यूनियन में बिलोंग करने का मतलब ये है ना कि किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो जो है किसी एक में भी होता तो यूनियन में आ जाता, इसका मतलब है कि अगर नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि फॉर ऑल i, ठीक है, कोई भी i आप ले लीजिए, ठीक है, उसमें x बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x बिलोंग करेगा किस में, ए आई के कॉम्प्लीमेंट में, राइट। यहाँ पे भी वही होगा, फॉर ऑल i बिलोंग्स टू कैपिटल i। अब देखिए अगर ए आई में बिलोंग नहीं कर रहा था तो डेफिनेटली उनके उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, ठीक है, फॉर ऑल i। अच्छा इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग करता है इंटरसेक्शन ऑफ ए आई का कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, क्योंकि फॉर ऑल i है, फॉर ऑल i का मतलब है कि हर ए आई के कॉम्प्लीमेंट में एक्स है, इसका मतलब है कि उनके इंटरसेक्शन में भी होगा, ठीक है। तो अब देखो एक्स मैंने इसमें लिया था और एक्स आपका इसमें भी आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यूनियन ऑफ ए आई का जो कॉम्प्लीमेंट है, राइट, वो क्या है, वो सबसेट है इंटरसेक्शन ऑफ ए आई के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है जी। तो आपको यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, ओके। इसी तरीके से अब मैं उल्टा दिखाना चाहता हूँ कि ये इसका सबसेट है, तो अब मैं उल्टा चलूँगा, ठीक है। तो उल्टा चलेंगे तो सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इस तरफ, लेट क्या कि y बिलोंग्स करता है इंटरसेक्शन ऑफ ए आई के कॉम्प्लीमेंट में, ओके। अगर y इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि y बिलोंग्स करेगा किसमें, देखो ए आई कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में करता है, इंटरसेक्शन में करने का मतलब यह है कि ए आई कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा फॉर ऑल आई, ठीक है, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई करेगा जब भी वो उसके इंटरसेक्शन में होगा। तो इंटरसेक्शन में होने का मतलब है कि वो सभी ए आई कॉम्प्लीमेंट में है, राइट। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई, चूँकि कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर ए आई में नहीं होगा, ओके, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। अब देखो यहाँ पे अब किसी भी आई में, ए आई में वो नहीं है, फॉर ऑल आई, इसका मतलब है कि अगर किसी में नहीं है तो वो क्या है, वो इसके यूनियन में भी नहीं हो पाएगा, तो सो यूनियन ऑफ ए आई में भी ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। अच्छा इसका मतलब है कि अगर यूनियन में नहीं है तो दैट मीन्स क्या कि वाई बिलोंग्स करेगा यूनियन ऑफ ए आई के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैंने लिया था और आपका ये यहाँ पे इसमें आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटरसेक्शन ऑफ ए आई कॉम्प्लीमेंट है, राइट, ये क्या है, ये सबसेट है आपका यूनियन ऑफ ए आई कॉम्प्लीमेंट का, होल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है जी। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहीं पे कॉम्प्लीमेंट लिखा है, कहीं पे डैश, तो हर जगह एक ही कर देता हूँ, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ और हर जगह कॉम्प्लीमेंट ही यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो डैश का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट ही होता है, तो कॉम्प्लीमेंट ही हर जगह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। चलो तो अब देखो, तो अब दोनों तरफ से देखो, इक्वेशन वन और टू से, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, सिंपली कि जो यूनियन ऑफ ए आई का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा इंटरसेक्शन ऑफ ए आई के कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है, जहाँ आई आपका कहाँ है, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स से है, ठीक है।
तो काफ़ी इजीली आप प्रूफ कर सकते हो। जैसे मैंने वन नंबर प्रूफ किया है ना, इसी तरीके से आप टू नंबर भी यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे देखो ये हम लोग को हो गया टू नंबर, ये सेकंड वाला, तो इसको भी मैं क्विकली प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रूफ से भी आपको काफ़ी एक आइडिया हो जाता है कि हमको करना किस तरीके से होता है। इसको भी आप देख सकते हो, जैसे देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर से वही तरीका होगा, लेट एक्स पहले इसमें हम लोग ले लेते हैं बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए आई का कॉम्प्लीमेंट, इसका कोई मेंबर एक्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग करेगा किसमें, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई में, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में है तो इसमें नहीं आएगा, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट रूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए आई। अब देखो इंटरसेक्शन में नहीं है ना, ध्यान दीजिए ना, इंटरसेक्शन में नहीं होने का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन में नहीं होने का मतलब ये है कि वो किसी न किसी एक ए आई में नहीं रहा होगा। इसलिए कि अगर सब में रहता तो इंटरसेक्शन में भी आ जाता। तो इस मत का मतलब यह है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए आई फॉर एट लीस्ट वन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। देखिए ये समझने वाली चीज़ है, कहाँ पे एटलीस्ट लगाते हैं, कहाँ पे फॉर ऑल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप बोलोगे कि इसका मतलब तो फॉर ऑल होता है, बट चूंकि देखो हम लोग नॉट पे बात कर रहे हैं ना, तो नॉट पे यानी कि पूरे इंटरसेक्शन में वो नहीं है, ठीक है एक्स। तो इसका मतलब क्या है, ये है कि ये तो हो ही सकता है कि सब में नहीं होगा, बट हम लोग वो नहीं लेंगे क्योंकि नॉट वाला केस है। तो हम लोग ये दे सकते हैं कि किसी एक में अगर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए आई कॉम्प्लीमेंट, अगर नॉट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है, फॉर एट लीस्ट वन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, राइट। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा कि एक्स क्या है, बिलोंग्स करेगा, अच्छा अब ये क्या है, एक्स जो है बिलोंग करता है ए आई में फॉर एटलीस्ट वन, अगर एटलीस्ट वन में करता है तो उसके यूनियन में आ जाएगा, ठीक है। तो किसी एक में भी है तो यूनियन में भी होगा डेफिनेटली। तो अब देखो ये इसका मेंबर था, ये इसमें भी आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ ए आई का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, वो सबसेट है यूनियन ऑफ ए आई के कॉम्प्लीमेंट का, ए आई कॉम्प्लीमेंट के यूनियन का, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन वन हो गया। इसी तरीके से इसका हम उल्टा भी दिखा सकते हैं, तो उल्टा दिखाएंगे तो क्या करेंगे, लेट सपोज कर लेंगे हम वाई बिलोंग करता है यूनियन ऑफ ए आई कॉम्प्लीमेंट में, राइट। अगर इसमें बिलोंग करता है इसका मतलब क्या है कि वाई बिलोंग्स करता है, राइट, ए आई में करेगा, ए आई का कॉम्प्लीमेंट है ना, यूनियन है, तो इसको अच्छे से लिखिए, ठीक है, ओके चलो। तो अब क्या है, हम लोग ये देख रहे हैं कि वाई जो है मेंबर है पूरी यूनियन का, तो वाई डेफिनेटली क्या होगा जो है, अगर यूनियन में है तो इसका मतलब है कि वो कम से कम एक ए आई कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा, ठीक है, फॉर एट लीस्ट वन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। अब देखो ए आई के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब है कि वो ए आई में नहीं होगा, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई फॉर एट लीस्ट वन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ओके। अब देखो वाई जो है बिलोंग नहीं करता किसमें, ए आई में, कम से कम एक आई के लिए, इसका मतलब है कि ये अब डेफिनेटली इंटरसेक्शन का मेंबर नहीं हो सकता, ओके। तो सो वाई नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए आई। अच्छा अगर इंटरसेक्शन में नहीं है इसका मतलब है कि अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है, सो वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए आई कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ से आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आपका आ जा रहा है कि चूंकि वाई इसका भी मेंबर है, इसका भी मेंबर है, इसका मतलब है चूंकि वाई इसका मेंबर आपने लिया ना, तो ये आर्बिट्ररी था, और ये इम्प्लाइज कर गया कि ये इसमें भी है। इसका मतलब क्या है कि यूनियन ऑफ ए आई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, वो सबसेट है इंटरसेक्शन ऑफ ए आई के हॉल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब ये रिजल्ट वन और टू को आप मिला दीजिए, अगर आप मिला देंगे तो यही बात आएगी कि डेफिनेटली क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए आई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, वो ए आई कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। ये रिजल्ट आपको प्रूफ हो जाता है, बहुत इजीली आप प्रूफ कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो आपको ये हमेशा याद भी रहेगा, राइट। बट अभी हमारे कंपटीशन के व्यू से ये रिजल्ट ही इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने प्रूफ इसलिए दिखा दिया कि एटलीस्ट और जो फॉर ऑल यूज़ करते हैं ना उसमें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आपको क्वेश्चन डीलिंग करने में भी ईजी रहता है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे, कुछ क्विक एग्जांपल देखेंगे ताकि बहुत अच्छे से आपको ये और भी करना आ जाए। जैसे देखो यहाँ पे एक पहला एग्जांपल है, क्या है कि देखो यूनिवर्सल सेट में 700 एलिमेंट है, ठीक है, किसी सेट ए में 200 एलिमेंट है, बी में 300 एलिमेंट है, और इंटरसेक्शन में 100 एलिमेंट है, तो आपको बोलता है कि इसमें क्या होगा। तो डायरेक्ट आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाइएगा तो कैसे होगा, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी है तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का हॉल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, और हॉल कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है कि ये सिंपली क्या होगा आपका, यूनिवर्सल सेट में माइनस हो जाएगा, ठीक है, जैसे
माने ए यूनियन बी को आप सिंगल सेट मान लीजिए, तो सिंगल सेट का प्रॉपर्टी यही होता है कि सिंगल सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब देखो ये आपको पता है 700 है माइनस, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बस इसको अप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो एन ए आपका है 200, एन बी है आपका 300 और इंटरसेक्शन है आपका 100, ठीक है। अब क्या आ जाता है देख लो, तो आ जा रहा है 700 माइनस 5 और 1, तो आपका ये 400, तो आपको रिजल्ट क्या बच रहा है, रिजल्ट बच रहा है 300। तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है, और आपको बहुत आसानी से बन जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक सर्वे में 200 स्टूडेंट है बोल रहा है, ठीक है, स्कूल में ये देखा गया है कि 120 मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 90 फिजिक्स पढ़ते हैं, 70 केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 40 मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, 30 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, 50 केमिस्ट्री और मैथ दोनों पढ़ते हैं एंड 20 नॉन ऑफ दिस, 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले खुद से ट्राई करो, हाँ, चूँकि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बन जाएगा आपसे। तो बोलता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल ऑफ 3 सब्जेक्ट, तीनों पढ़ने वाले कितने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप इसको पहले ट्राई करो, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा, पहले भी आपने ऐसा क्वेश्चन किया है और काफ़ी अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो देखो चूँकि इसको आप डिटेल में लिख लेना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप ऐसा करना कि आप सपोज कर लेना कि जो है जो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं सर्वे में वो यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन यू है वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया 200, राइट। इसी तरीके से एम फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को डिनोट करता है एम, एम डिनोट्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स, तो एन आपका क्या हो जाएगा 120, राइट। फिर आपका पी फॉर फिजिक्स, लेट पी डिनोट्स सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी फिजिक्स, तो एन पी क्या हो जाएगा, एन पी हो जाएगा 90, ओके। इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए एन सी, ये आपका हो जाएगा 70, ये आपको सारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिर है कि आपको मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, तो ये 40 हैं, ये भी आपको गिवन है। फिर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, तो ये आपके 30 हैं, ये भी गिवन है, राइट। और केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले कितने हैं, ये 50 हैं, ये भी गिवन है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि जो तीनों पढ़ता हो, जो तीनों पढ़ता हो वो कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये नॉन ऑफ दिस वाला आप यूज़ कर लीजिए, क्योंकि 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ नहीं पढ़ते ना, तो कुछ नहीं पढ़ते, इसका मतलब क्या है कि आपको गिवन ये दिया हुआ है नंबर ऑफ, ठीक है, कि भाई कुछ नहीं पढ़ने का मतलब क्या है कि आइदर वाले ले लीजिए, या तो मैथ या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री, ठीक है, का नंबर ऑफ स्टूडेंट यही होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ये आपको दिया हुआ है कितना है, ये आपको दिया हुआ है 20, कि 20 स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका 20 है। अब यहाँ से आप जल्दी से सोल्व कर पाओगे, कोई इशू नहीं है, बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ, यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दूंगा तो कॉम्प्लीमेंट आपका हट जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये आ गया, ये आपका 20 है। चलो अब ये एन यू कितना दिया हुआ है, तो आप देखोगे कि एन यू आपको 200 दिया हुआ है माइनस, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, राइट, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है, ठीक है। तो इसको बस जल्दी से अप्लाई कर दो, तो सारा फिगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ए बी सी के लिए मैंने लिखा है, तो आप यहाँ पे एम पी सी के लिए यूज़ करो, तो आपको एन पी एन एम कितना है, ये आपका 120 है, एन पी कितना है 90 है, एन सी कितना है आपका 70 है, माइनस इंटरसेक्शन वाला ये 40, फिर आपका ये 30 और फिर आपका ये 50, राइट। अब बच जाएगा क्या, बच जाएगा प्लस में एन, तो वही जो आपको फाइंड करना है कि तीनों पढ़ने वाले कितने हैं, ठीक है ना, तो ये 20 हो गया। अब देखो ये आपका यहाँ से आ गया 200 माइनस, इसको आप सोल्व कर लो, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना जी, राइट,
210 हो गया, 280 हो गया, 280 में इधर आपका 40 और 30 70 और 50 120, ठीक है, तो कितना बचेगा जी, 160 बचेगा, ठीक है ना, ये और ये माइनस हो जाएगा आपका एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या 20। तो अब तो आपको लगता है ये आ ही गया होगा, अब तक तो आपने निकाल लिया होगा, तो क्या हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ से जो एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी यानी तीनों पढ़ने वाले हैं वो कितना हो जाएगा, तो इधर देखो बचता है आपका 40 बच रहा है राइट, और माइनस 20 हो जाएगा। सो 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो बहुत जल्दी देखो आप इस तरह क्वेश्चन कर पाओगे यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, और डी मॉर्गन्स लॉ का बहुत ज़्यादा यूज डिस्क्रीट और लॉजिक्स वगैरह में है, तो सेट थ्योरी से रिलेटेड इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। डेफिनेटली हम लोग कुछ और भी एमसीक्यूज देखेंगे, तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल लेक्चर था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। अगर आप मेरा कोर्स करना चाहते हो लाइक TGT झारखंड का, या आप जो है ऐसे कोर्स कर रहे हो जिसमें आपको कैलकुलस वगैरह हायर अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लीनियर अलजेब्रा वगैरह पढ़ना है, तो पूरा कोर्स CSIR नेट का भी कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे काफ़ी जेन्युइन रेट में आप कोर्स को बाय करके सिस्टमेटिक लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।